लेकिन इस वक्त जो है भारतीय बल्लेबाजी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और भारतीय बल्लेबाजी की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस पर चर्चा के लिए मेरे साथ कपिल पाजी मौजूद हैं, अतुल वासन भी हमारे साथ हैं और लगातार ग्राउंड से भी हम आपको रिपोर्टिंग कर दिखा रहे हैं। जीएस विवेक वहां पर मौजूद है। तो पाजी, हमने ये चर्चा की है कि किस तरह से आज ये 257 रन का टारगेट धीरे चलो स्टेबल चलो वाली स्ट्रैटेजी के साथ हमें देखना होगा। मेरे ख्याल से ओवरऑल रोहित ने ये दिखाया भी है, जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत बड़ा टारगेट नहीं था लेकिन सोच संभल कर चले और जब मौका आया तो खूब हाथ खोलकर छक्के चौके भी निकाले। देखिए, कोई भी क्रिकेट हो, चाहे T20 T10, आपको पहले 5-7 गेंद आपको देखना होगा। जैसे जैसे मैच बड़ा हो जाता है आप थोड़ा ज़्यादा समय ले सकते हैं। उसके बाद आजकल के बल्लेबाजों के पास इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर आप 10-12-15 गेंदें खेल लेते हैं और रन नहीं भी बनते तो चिंतित नहीं होना, क्योंकि आउटफील्ड तेज़ है और शायद बड़े शॉट भी खेलना मुश्किल नहीं है जिस तरह की पिच का माहौल देखा है। जी चलिए, एक सवाल बांग्लादेश की गेंदबाजी पर मैं संजय बांगर से भी ले लेती हूँ। संजय, किस तरह की तकलीफ दे सकते हैं बांग्लादेश के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को? ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश के स्पिनर्स टेस्ट करेंगे भारतीय टीम को, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों को, क्योंकि भारतीय टीम ने हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है फिंगर स्पिनर्स के खिलाफ, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा परेशानी आएगी। और दोनों ही जो गेंदबाज है वो काफ़ी सीमित है, कोई वैरायटी नहीं है, कन्वेंशनल तरीके से गेंदबाजी करते हैं, तो भारतीय टीम को मुझे नहीं लगता दिक्कत आएगी उनके खिलाफ। चलिए अतुल, एक बार फिर से मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहती हूँ, जो हार्दिक पांड्या को चोट लगी है उसके चलते अब ये कहा जा रहा है कि हार्दिक का फिट होना टीम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्दिक का इमीडिएट रिप्लेसमेंट आपके दिमाग में कोई नहीं है, या तो आपको एक एडेड बॉलर लेना पड़ेगा आगे या फिर एक बैट्समैन लेना होगा। क्या आप मानते हैं इस बात को? हाँ, मुझे लग रहा है कि बैलेंस खराब हो जाएगा और ऐसा होता है, एक्सपेक्टेशन चोट लगती है आपकी, अगर फिटनेस की इंजरी नहीं है तो इंपैक्ट इंजरी होती है। तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ एज ए बैट्समैन हार्दिक को खिलाएंगे तो आपकी बॉलिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक इंश्योरेंस के रूप में शार्दुल को लेकर चल रहे हो या अश्विन रनिंग ट्रैक पे, तो आपका दोनों बैलेंस वो बनाते हैं मीडियम पेसर ऑलराउंडर के लिए। तो आप प्योर बैट्समैन खिलाएंगे तो वैसे ही हमारे एक बॉलर शॉर्ट है, तो मुसीबत पड़ जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि वो फिट हो जाए, वो समय है अभी, पर ये प्रॉब्लम होने वाली थी। और मैन टू मैन रिप्लेसमेंट के लिए जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे पास शमी है सिराज के लिए, पर हार्दिक के मैन टू मैन को रिप्लेस करना और इतने बड़े टूर्नामेंट में आगे बड़े बिजनेस एंड में मुसीबत पड़ जाएगी। जी बिल्कुल, और ये बड़ी मुसीबत ना हो हम यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है पाजरे कि अगर नौबत आई तो बल्लेबाजी के लिए हार्दिक आज भी मैदान में दिख सकते हैं। लेकिन अगर हम रन चेज की बात करें तो अपने एक्सपीरियंस और अनुमान के हिसाब से कितने ओवर में टीम इंडिया टारगेट कर रही होगी कि ये रन चेज जो है साइड लगाया जाए अगले मैच की तैयारी की जाए? इसकी ज़रूरत नहीं है, सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको मैच जीतना है, मैच जीतने की सोचो। और वैसे भी अगर ठीक बल्लेबाजी हुई तो 40-45 ओवर में हो जाना चाहिए। अभी से सोचे कि हमने 35 या 40 ओवर में करना है, बिल्कुल गलत। आप नॉर्मल क्रिकेट खेलिए, आराम से 2 पॉइंट लेने की सोचिए, फिर आखिरी के जैसे 10 ओवर या 7 ओवर या 5 ओवर बचते हैं और कितने रन हैं, देन आप अटैक कर सकते हो। वैसे भी हमारी एवरेज बहुत बेहतर है, कोई ख़राब नहीं है, और हम 2 पॉइंट मिलने से हम टॉप पर फिर भी रहते हैं। बिल्कुल, और इस रनचेज में भारतीय टीम को ज़्यादा मुसीबत नहीं होनी चाहिए। अगर आज टीम इंडिया जीतती है तो वो दूसरी ही ऐसी टीम होगी जिसने अपने 4 के 4 पहले मुकाबले जीते हैं। एक और टीम है न्यूजीलैंड, जिसके खिलाफ 22 तारीख को धर्मशाला में मुकाबला है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पाजी आपका बहुत शुक्रिया, अतुल वासन हमारे साथ जुड़े उनका भी शुक्रिया। लेकिन विश्व विजेता ये बड़ी कवरेज मैच के बाद भी आपको दिखाएंगे, मैच के बाद वापस आएंगे अपने तमाम एक्सपर्ट्स के साथ। फिलहाल बाकी खबरों के लिए बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।